हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक मैं वीरेंद्र टाइप्स ऑफ ईमेल्स ईमेल्स काफ़ी कॉमन चीज़ है चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं चाहे सेल्स टीम के थ्रू या फिर मार्केटिंग के थ्रू पर मेल्स कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है मेल का किस तरह से लिखते हैं हमेशा स्ट्रक्चर होता है ऐसा नहीं होता कि एस या व्हाट्सएप पर जो मैसेज करते हैं वैसे आप ई कर सकते हैं तो मार्केटिंग के कॉन्टेक्ट्स में स्पेशली कितने टाइप्स के मेल हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको मार्केटिंग का यह डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट कॉन्टेंट वगैरह तो आपको एक अच्छा ईमेल लिखना पता होना चाहिए उससे पहले पता करना है अपने को कि इंपॉर्टेंस क्या बेनिफिट्स क्या एक्चुअली ई के तो फर्स्ट है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है ई जैसे आप कोई भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके आप ई कर सकते हैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं न्यूज़ के या फिर ई के उनको आप बता सकते हैं कि हमारे कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट है वगैरह ये है और उनकी सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं दूसरा सब्सक्राइबर जो है उनको कस्टमर्स में बना सकते हैं अब जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और लेकिन वो कस्टमर नहीं है आपके बस वो इंफॉमेशन ले रहे हैं आपसे या फिर ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन वगैरह आपके वो देख रहे हैं लेकिन नहीं ले रहे तो उनको आप कुछ नया ऑफ़र दे सकते हैं और उनको कस्टमर बना सकते हैं और कुछ नए डील्स है फॉर एग्जाम्पल कोई ओकेजन आ गया ब्लैक फ्राइडे आ गया कोई फेस्टिवल अगर आ गया आपने जहाँ पे सेल निकाली हो जहाँ पे कुछ फिफ्टी परसेंट ऑफ या कुछ डील्स निकाली हो तो उनको प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग ऑफर को ग्रैब करें और आपकी सेल इंप्रूव हो तो उसके लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा चैनल है देन जो कस्टमर के साथ है उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पर आप उनको ज़्यादा कोई वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ नई पार्टनरशिप्स वगैरह हो रही है उनके बारे में इन्फॉमेशन दे रहे हैं तो, तो उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होने का चांस बढ़ जाता है देन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जैसे आपने कोई ब्लॉग पोस्ट शेयर किया हो जिस जो आपके कस्टमर्स के लिए सब्सक्राइब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल टिप्स वगैरह उसके अंदर कोई वीडियोज़ है यूट्यूब पर उसको प्रमोट करने के लिए या फिर कोई पॉडकास्ट वगैरह है तो वहाँ पर उनको ईमेल के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं और उनको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो फर्स्ट टाइप ईमेल होता है वो वेलकम ईमेल होता है जैसे कि किसी आपकी न्यूज़ लाइटर को सब्सक्राइब किया आपके ई मार्केटिंग में जो आपके कैंपेंस वगैरह उनको देख उनको आपकी वेबसाइट के थ्रू तो सब्सक्राइब किया है तो उनको आप विद इन ट्वेंटी आवर्स एक ई मेल सकते हैं जिसमें आप उनका वेलकम करते हैं और उनको बता देते हैं मेल में कि आप वो आगे आपके ई में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप क्या उनको देने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट्स से डील देने वाले हैं या फिर आप वेल्यूबल इंफॉमेशन क्या देते हैं तो सब कुछ आप उनको ईमेल में थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते हैं देन सेकंड होता है स्पेशल ऑफर ईमेल जैसे आपने कोई ऑफर निकाला जिसमें आपने बता दिया कि ब्लैक फ्राइडे की सेल है और आप अपनी सर्विसेज पे इतना परसेंट ऑफ़ दे रहे हैं स्पेसिफिकली बता दिया कि हम फॉर एग्जांपल आपकी वेब होस्टिंग कंपनी है तो आपने बता दिया वर्डप्रेस होस्टिंग पे हम फिफ्टी परसेंट ऑफ दे रहे हैं नेक्स्ट थ्री डेज़ के लिए और उनको कूपन कोड बता दिया स्पेसिफिकली ये कूपन कोड यूज़ करके आप ये ऑफर को ग्रैप कर सकते हैं तो इस तरह से आप कुछ बेच सकते हैं फॉर एक्जाम्पल इन्होंने दिखा दिया कि थर्टी ऑफ है इन पर और नीचे कुछ कोड वगैरह बता दिया और लिमिटेड टाइम ऑफर है तो लोग कस्टमर से इनको परचेज करते हैं और आपकी सेल्स इंप्रूव होती है देन न्यूज़ लेटर ईमेल न्यूज़ लेटर ईमेल में क्या होता है कि काफ़ी कंपनीज होती है वो अपना वीकली या मंथली न्यूज़ लेटर रोल आउट करती है तो उसमें क्या होता है कि वो पूरे वीक का या मंथ का जो कॉन्टेक्ट होता है अपनी कंपनी में जैसे कोई नई ब्लॉग पोस्ट वगैरह शेयर की है कोई वीट्यूब वीडियोज़ वगैरह पब्लिश किए हैं या फिर कोई पॉडकास्ट वगैरह है तो उनको पूरे महीने की या फिर वीक की सारी इन्फॉर्मेशन एक न्यूज़ लेटर के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ ऑफर वगैरह वो भी उनका कोई बैनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी टू क्राउड का देखते हैं तो इन्होंने पूरा दे दिया है और यहाँ पर जैसे कि कोई ब्लॉग पोस्ट थी उसकी लिंक दे दी यहाँ पर बटन के थ्रू और दूसरा कुछ ऑफर वगैरह था या फिर यूज़ वगैरह था प्रोडक्ट के तो उन्होंने वहाँ पर दे दिया और स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें न्यूज़ डेटर में आप प्रोवाइड कर सकते हैं देन सर्वे ई मेल सर्वे ई मेल आपने बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेसिस का देखा होगा फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं ऑनलाइन या फिर कोई सॉफ्टवेयर सर्विस को सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपको ई आते हैं रिव्यू के लिए कि आप हमारी रेटिंग दीजिए और दूसरा आपको जब ई आते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है कैसा आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप एक सर्वे ले सकते हैं शॉर्ट्स इस पर क्लिक करेंगे तो एक सर्वे फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे वो आंस कर लेते हैं दूसरा जैसे आपने देखा होगा कि वन टू टेन के बीच में आप कौन सी रेटिंग देना पसंद करेंगे उनकी सर्विसेज को तो वहाँ पर वो सर्वे लेते हैं समझ लीजिए आपने थ्री स्टार दे दिया तो आगे फॉर्म आ जाएगा आपके पास कि वट कैन बी इम्प्रूव तो इस तरह से आप सर्वे लेकर अपने सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस को और अच्छा बना सकते हैं देन रिक्वेस्ट ईमेल रिक्वेस्ट ईमेल ये होता है कि जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं या फिर कोई जैसे कि कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म से भी आपने सब्सक्राइब कर लिया तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ईमेल्स वगैरह आते हैं और आपसे रिव्यू पूछते हैं आपका जैसे उन्होंने हे सुप कुड यू प्लीज़ लिव यू रिव्यू तो आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं उनके साथ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और तो ये भी एक दूसरा ऑप्शन है जिससे आप रेटिंग वगैरह ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टोर पर आपने अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए उनसे रेटिंग के लिए कह दिया और आपकी रेटिंग बढ़ गई वहाँ पर तो ये चीज़ें आप ई मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं देन अनाउंसमेंट ईमेल अनाउंसमेंट ईमेल मेल अमिताभ यूज़ करते हैं जैसे कि कोई भी नया अपडेट आया है कोई नई पार्टनरशिप बिल्ड की हुई है कोई नई सेल वगैरह आपने निकाली है तो उसका अनाउंसमेंट ईमेल करने के लिए आप कस्टमर uh, को एक ईमेल कर सकते हैं और उसमें सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इससे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है और उनको अच्छे से इन्फॉर्म भी कर पाते हैं आप देन कुछ एडिशनल ई होते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं जैसे कि ऑर्डर कन्फर्मेशन शिपिंग स्टेटस वगैरह जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन शॉपिंग करते हैं तो ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद आपको मेल आ जाता है तो वो वाले मेल्स होते हैं देन री ऑर्डर जैसे कोई ऐसी सर्विसेज है जिनको बार बार यूज़ करना होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मंथली यूज़ करने से सर्विस है या फिर कोई ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब्सक्रिप्शन है जैसे कि मंथली सब्सक्रिप्शन या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन वगैरह हो होता है तो उनको री ऑर्डर या री करने के लिए आप मेल मेल कर सकते हैं देन कार्ट वाला ईमेल होता है जैसे आपने कोई प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर दिया बट परचेज नहीं कर रहे हैं तो आपको ई मेल आ जाता है बहुत बार की आप में जो चेकआउट कर लीजिए प्रोडक्ट्स में कार्ट को तो इससे क्या होता है कि बहुत बार कस्टमर भूल जाते हैं तो उनसे आपस सेल करवाने के लिए बर्थडे एनिवर्सरी ई मेल्स जब आप सब्सक्राइब कराते हैं कस्टमर्स को तो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर करते हैं तो उनको उस हिसाब से आप बर्थडे वगैरह पे एनिवर्सरी वगैरह पे ई कर सकते हैं और इससे कस्टमर का रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाती है देन फ्री ट्रायल एक्सपायरेशन ई जैसे कि कोई कि किसी आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका आपने समझ लीजिए फोटीन डेज़ का ट्रायल दे रखा है तो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और टेन डेज हो गए ट्वेल्व डेज हो गए लेकिन उन्होंने उसको आगे सब्सक्राइब नहीं किया सिर्फ ट्रायल चल रहा है तो उनको आप बता सकते हैं कि आपका ट्रायल एक्सपायर हो रहा है जिससे कि वो या तो ट्रायल कैंसिल कर ले अगर उनको सर्विस पसंद नहीं है या फिर उसको आगे सब्सक्राइब कर लें तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स होते हैं मार्केटिंग में जो आपको पता होना चाहिए और सबका कंटेंट थोड़ा अलग अलग रहता है और पिच और टोन वगैरह हर तरह के अलग अलग होता है थैंक यू